कार्य पे ध्यान दे करके बिना पक्ष विपक्ष का ध्यान में रखे हुए जनहित के मुद्दे को जब हम लेकर के आए तो उसका समाधान करने के लिए हर समय वो तैयार हो, किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के नहीं। क्योंकि पक्ष विपक्ष ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कभी हम पक्ष में रहते हैं कभी विपक्ष में रहते हैं। तो हमें लगता है कि उसमें ना ध्यान दे करके सिर्फ वो मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हो, जो क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम रखता हो और जो जिससे काफी लोग लाभान्वित हो, ऐसे कोई भी अच्छे मुद्दे हो तो उसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। और आप सबों के माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि जो जनहित के मुद्दे रहे, जो सच्चाई जनता के लिए आप दिखाने का काम करें। और एक आग्रह आप सबों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहेंगे कि अभी क्योंकि शीतलहर काफी है, रांची में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जो रोड में या रेनबसों में जो लोग रहते हैं खुले आसमान के नीचे, उनके लिए एक अलग से जगह में टेंट की व्यवस्था कर दे, जहाँ पर कि लोग हमारे गरीब गुरबे माँ बाप गरीब बहने माताएं बहने भाई बंधु जो उनको खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़े, बल्कि वहाँ पर एक छत वो टेंट की ही छत एक टेम्पोरी जो ठंड भर कम से कम बने, वहाँ पर हमारे गरीब गुरबे आकर के रह सके और उनको कमल की व्यवस्था हो जाए जिससे कि वो रात गुजार सके और सुबह शुरू हुआ तो पहले जनता ने जनादेश दिया है कार्य करने के लिए, जनता ने जब जनादेश का हम लोग अच्छा काम किया है। क्या लगता है कि हार के बाद बीजेपी के संगठन में बहुत कुछ बदलाव होगा, क्या संकेत? तो ये अमूल तूल कुछ बदलाव नहीं होता, पार्टी के में भी पार्टी को जो है जो नेतृत्व जिसके जिस तरह से दिशा निर्देशन देगा उस आधार पर फिर पार्टी को करते भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वही है कि दो से लेकर के आप 200 दिन तक पहुँचा है देश का, तो ये सबसे बड़े अचीवमेंट है। तो पार्टी हमेशा से संघर्षों के दम पर अपने आदर्शों और अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण के दम पर हमेशा तैयार रहती है और तैयार होकर के आगे बढ़ने के लिए अपने को प्रस्तुत भी रखती है, जिसके लिए हम फिर खरवास के बाद हम लोग चाहते हैं कि खरवास के बाद ऐसे हम लोगों की मान्यता है कि कोई भी नया काम प्रारंभ करना इससे ठीक नहीं रहता है, ऐसे सनातन परंपराएं हैं, हम लोग सब लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। अच्छा एक चीज़ सर, दो दिन से लगातार JVM की खबर आ रही है, JVM जो है BJP के साथ आ रही है, क्या कुछ ऐसा और कई BJP के नेताओं से पूछा कि हालांकि वो खुलकर नहीं बोले, बोले मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ आपको तो उनका मामला है, उनका विषय है, उनका दावा और बड़ी नेता है वो जो